माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। हेलो हेलो। हाँ जी सर। एक्चुअली मैम आई वांट टू ट्रैवल, मतलब वैष्णो देवी पे मेरे को 8 तारीख का मेरे को ट्रैवल है, मेरा ट्रिप है। जी सर। हाँ जी। तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चाहिए थी कि लाइक मतलब एक्चुअली मैं यूपी में बिलोंग करता हूँ, यूपी से मतलब मेरठ में से। तो मेरी जो ट्रेन है वो 8 की शाम की है और 7 तारीख का संडे पड़ रहा है, कल मतलब परसों का। तो मुझे ये जानना था कि अगर मैं टेस्ट कल कराता हूँ तो रिपोर्ट 9 की मॉर्निंग को मैं कटरा पहुंचूंगा तो वैलिड रहेगी वहाँ पर? कल आपका 6 तारीख है ना, 7, 8, 9, हाँ हाँ 4 डेज तक वैलिड रहेगी। अच्छा अच्छा तो आप करा लीजिए। और अगर इन एनी केस वो दोबारा करते भी हैं, वैसे तो करेंगे नहीं क्योंकि अभी अलग अलग लाइन बना दिए दोनों की वहाँ पे, अगर करते भी हैं तो दोबारा करा लीजिए, 10-15 मिनट वहाँ आपको वापस से लगेगा कटरा स्टेशन पे। तो आप ऐसे कंफर्म बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से टेस्ट करा के ले जाऊँ तो वहाँ पर होगा क्या? अगर मैं देखिए कंफर्म का ये है ना कि अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम डेली वहाँ पे यात्रियों से बात करते हैं या शाइन बोर्ड से बात की है, तो वो यही कहते हैं कि टेस्ट दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए ना, ये जो गाइडलाइंस निकाली है जम्मू कश्मीर सरकार ने निकाली है कि आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, लेकिन श्राइन बोर्ड जो कि यात्रा कराता है उनका मानना ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है टेस्ट की। अगर 96 आवर्स की रिपोर्ट आप लेके आते हो तो वो ही मान्य करेंगे वो लोग। ओके ओके। अब जम्मू कश्मीर सरकार का क्या होता है, अगर स्टेशन पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो वो जो यात्रियों को टेस्ट लेके आते हैं उनको निकाल देते हैं। कम है, उनको लगता है कि भाई कर लेना चाहिए तो वो कर लेते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रही क्योंकि मेरे एक दो जानने वाले गए हैं, कुछ तो गए वो बोल रहे हैं कि भाई की मतलब रिपोर्ट चेक करके जाने दे रहे हैं, कुछ ये बोल रहे हैं अभी 2 तारीख को लास्ट है वो कह रहा है भाई तभी भी टेस्ट कर रहे हैं। तो वही है ना, अब जैसे डिपेंड करता है कि वो जिस टाइम पहुंचे होंगे उस टाइम कितनी ट्रेन स्टेशन पे पहुंची होंगी, कितने यात्री होंगे। वैसे मैं क्योंकि मैंने बात करी ना हॉस्पिटल, वो ये बोल रहे हैं कि सर हैंड टू हैंड तो रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी, अगर आप 8 को आएंगे टेस्ट कराने के लिए तो 10-11 बजे हॉस्पिटल खुलते हैं, टेस्ट करेंगे तो 1-1.5 घंटे बाद रिपोर्ट मिलेगी। और हमारी जो ट्रेन है वो दिल्ली से करीबन 5 बजे की और हमको दिल्ली स्टेशन पर 3-4 बजे तक पहुंचना, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा, टाइम से पहुंचना पड़ेगा। हाँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल ही टेस्ट करा लूँ तो 96 आवर्स के लिए वैलिड है तो वो 4 दिन तो ऑटोमेटिकली नहीं बैठे रहेगा। टेस्ट करा लेंगे इसमें तसल्ली हो जाएगी कि आप नेगेटिव हो, है ना। हाँ क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पर भी गड़बड़ हो रही है कुछ की, कुछ ही के साथ पॉजिटिव आ जाता है, उनको भले ही कुछ सिम्टम्स ना हो वो पॉजिटिव आ रहे हैं और उनका अगर दोबारा करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। अरे मैम मेरे 3 दिन से ज्यादा तबियत खराब है, मेरा कोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी मेरा ठीक हो गया बिल्कुल, अभी मतलब मैं अभी ठीक हूँ, मतलब मैं गर्म पानी घरारे कर रहा हूँ, वाटरविन भी ले लिया, मेरी नाक खुल चुकी है, एक्यूप्रेशर भी मैंने कराया था कल एक बंदे से, तो मेरा कोल्ड बिल्कुल ठीक हो चुका, फीवर भी नहीं है बिल्कुल मुझे, हल्का से गला खराब हो तो मैं कर लूंगा कल तक ठीक। तो टेस्ट तो मैं, हाँ तो हॉस्पिटल वाले ये बोल रहे हैं कि आप ना कल करा लीजिए क्योंकि 8 तारीख का कुछ कंफर्म लेके आपको रिपोर्ट हैंड टू हैंड मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं कल सेफा साइड के करा लेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। उन्होंने तो ये बोला कि हम आपको लेटर पैड पे एक तरह का देंगे मोहर मार के, हमारा कोई वैसा मतलब कोई, क्योंकि वो रैपिड होता है ना वो। हाँ हाँ वही वो बोले कि हम रैपिड करेंगे तो हम रैपिड में तो हम खाली लेटर पैड पे मोहर मार के आपको गवर्नमेंट की दे देंगे। हाँ वही चलेगा, बस ऑरिजिनल लेके जाइएगा। हाँ ओरिजिनल लेके जाऊंगा मैं। अच्छा आप अकेले जा रहे हो आपके साथ? नहीं मैम एक्चुअली हम 3 कजन जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर तो आप लोग मैनेज भी कर लोगे ना, अगर आधा क्वांटम लेट होता है ना तो कई लोग। मैम एक्चुअली है ना मैंने सब कुछ ऑनलाइन करा रखा है, मैंने अर्ध कुंवारी पे भी रूम ऑलरेडी बुक करा चुका है। अच्छा करा लिया। और हाँ मैंने त्रिकुटा भवन पे भी ऑनलाइन बुक करा चुका हूँ मैं। अच्छा ऊपर भवन पे। हाँ मैंने सब जगह ऑनलाइन बुक करा लिया तो मेरे को सिर्फ, मैं दूसरा वहाँ पे भी कामों का टाइम खराब हो गया। हाँ ये भी सही है। तो अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप वहाँ जाएंगे यात्रा पे तो आप पहुँच कर वीडियोस वगैरह भी शेयर कर सकते हैं वहाँ के नज़ारे की। हाँ मैंने आपको चैनल देखा था, मैंने तभी कॉल करा है। अच्छा अच्छा वेरी गुड, अच्छी बात है। मैंने वो देखा था, मैंने वो कॉल कर लूँ क्योंकि मेरे को ना एक्चुअली बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं यार कभी वहाँ जाके टेस्ट हो गया ना तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उम्मीद ये होगी कि टेस्ट नहीं होगा। और हाँ वो मेरा कजन ने बोल रहा है कि मत करा क्योंकि वहाँ मांग रहे हैं तब भी होगा, मैं भाई तू करा के चल क्या पता वो ना हो, करना पड़ेगा अगर नहीं होगा तो आपका टाइम बच जाएगा ना। अच्छा आप कटरा से बोल रहे हो? नहीं सर अभी तो मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ। अच्छा जी, मुझे लगा आप कटरा से बात करें क्योंकि वहाँ का तो कोई नंबर लगता ही नहीं है। नहीं नहीं मैं हम दिल्ली से, हम कटरा में हैं, हमारे जानने वाले ग्रुप के लोग हैं। अच्छा मैं दिल्ली में हूँ। वहाँ का कोई नंबर लगता ही नहीं है, मैंने काफी नंबर ट्राई करता हूँ वो लगता ही नहीं कोई नंबर। क्या है प्रीपेड से नहीं चलती है वो तो मुझे पता है, हमारी नहीं चलती, मतलब वहाँ की तो चले कम से कम। नहीं वहाँ से चलती है, मेरी तो रेगुलर बात होती है वहाँ से। मेरे पे कस्टमर के नंबर अभी पता नहीं, शाइन बोर्ड ने वेबसाइट पर करा, अभी तक कोई नंबर इशू उस पर कॉल लगा तो वो लगता ही नहीं है। सर मेरी कल शाम को बात हुई है उसी के नंबर पे कस्टमर। आप मुझे नंबर फॉरवर्ड कर सकती है? हाँ मैं नंबर आपको, हमने वीडियो बनाई हुई है वो वीडियो शेयर करती हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे ना लिख के भेज दीजिए नंबर शेयर करने, ताकि मैं आपको ना आधे घंटे में भेज दूंगी,
एक्चुअली अभी ऑफिस में थोड़ा सा काम कर रही थी। ओके ओके ओके। फ्री होती है आपको फिर। तो मैम एक चीज पूछनी है, जैसे कि अगर आपको पता होता मेरे को बताइएगा, जैसे कि मेरा मेरी ट्रेन 8 की शाम की है, मैं सुबह 9 बजे पहुंचूंगा 5 बजे, और मुझे थोड़ा 1-1.5 घंटा रेस्ट करके नहीं आएगा, वरना मेरे को यात्रा चालू करनी है। ठीक है, तो मैं करीबन 10 बजे यात्रा चालू कर दूंगा, तो मैं अर्धकुंवारी लाइक मतलब अप्रोक्स में 10-11 मतलब सॉरी 2-3 बजे तक पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है, तो मेरा अर्धकुंवारी में ही रूम मतलब डोमेस्टिक बेड है हमारा। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि वहाँ पे ना चेक इन चेकआउट का टाइमिंग जो है 10 AM से 10 AM तक रखता है, मतलब 10 तो हाँ, तो मेरा प्लान ये है कि मैं जैसे यात्रा 9 तारीख की सुबह स्टार्ट करेंगे, तो हम अर्धकुंवारी पे मतलब अर्धकुंवारी में हम पहले भवन पे जाएंगे, दर्शन वर्शन करते रहेंगे, रात को फ्री हो जाएंगे करीबन 10-11 बजे तक, फिर हमें तुरंत वापस आना है अर्धकुंवारी तक, फिर हमें वहाँ पे रात को रुकना है। तो जो आपने अर्धकुंवारी पे रूम बुक किया है वो 8 तारीख का किया है 9 तारीख का किया? मैम वो 9 तारीख का कराया मैंने। हाँ, तो फिर ठीक है, आप दर्शन करके वापस आएंगे, आपका पूरा टाइम होगा। मैं 9 की रात को 10-11 बजे तक मतलब 9 की रात को 10-11 बजे तक मैं अर्धकुंवारी पहुंच जाऊंगा, सॉरी रात को नहीं 3-4 बजे तक पहुंच सकता हूँ मैं अर्धकुंवारी। वो खोल देंगे रूम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमें यही पूछा था कोई दिक्कत ना हो जाए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन वहाँ पर ऑन एंड पर हो मतलब कोई हमारे साथ, तो वो ले सकता है हमारे साथ ही रूम, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसको शायद। हाँ, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इसको। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो 3 बंदे हैं ना, तो हमारे 2 से यूजर आईडी से हमने रूम बुक करे थे। ओके, तो प्रॉब्लम थर्ड पर्सन का पर्ची तो बुक हो चुकी है, लेकिन उस पर्ची की आई नंबर से उसका रूम नहीं बुक हो पा रहा। तो आप एक काम करते हैं, एक आईडी से और कर सकते हैं, लेकिन एक काम कीजिए। वही मैंने, अरे मैम करके देख लिया मैंने, अपने से भी करके देखा, उसका भी करके देखा, वो लेकिन फेल्ड बता जा रहा। फिर मैंने अपना क्या करा कि एक कजन है ना, वो उसका करके देखा तो उसके से हो गया, लेकिन उसका नहीं हुआ। तो मैंने बात करी थी, वो बोल रहे कि वहाँ पर चले जाओगे तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा पे करना पड़ेगा, तो आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वही एक्स्ट्रा पे करके फिर आप ले सकते हो, वरना फिर डोमेट्री रूम भी मिल जाए, अगर कुछ भी ऑप्शन ना बचे तो वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। एक यूजर आईडी पे 2 डोमेट्री बेड अवेलेबल होते हैं। हाँ, दो बेड मैंने चेक करा। ठीक है मैम, थैंक यू, मैं आपको व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ, आप मुझे ना जरा नंबर दे देना। ठीक है, ठीक है सर। बाकी जो हमारी रिकॉर्डिंग है जो बात अपलोड कर सकते हैं इसको यूट्यूब पे? हाँ, आप कर दीजिए कर दीजिए, मैं तो खुद कहने वाला था। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुँचा सकें। जय माता जी की।